टॉप करने वाली रोहिणी प्रकाश, जिनके घर में बिहार बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से खुशियों का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रोहिणी प्रकाश के पिता और माता दोनों मिलकर के उन्हें मिठाइयां खिला रही हैं। काफी खुशियां एक दूसरे में शेयर की जा रही हैं। इस दौरान लाइव सिटीज की टीम भी रोहिणी प्रकाश के घर पहुंची और उनकी खुशियों में शामिल हुई। आप सुनिए कि लाइव सिटीज से खास बातचीत में रोहिणी प्रकाश ने आखिर क्या कुछ कहा है, उनके आगे की क्या उम्मीदें हैं और वो क्या कुछ बनना चाहती हैं, आप उनके जुबान से खुद सुनिए। मैं अपने स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर जहीर आलम सर को देना चाहूँगी। फिर हमारे शिक्षक सर बहुत सहयोग करते थे, फिर जो हेडमास्टर सर थे उनका बहुत कुशल प्रबंधन था, फिर टीचर्स लोग बहुत मोटिवेट करते थे और मेरे पापा और मम्मी भी बहुत, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, प्रेसराइज नहीं करते थे कभी कि आप बस अपना बेस्ट दो, जितना तुमसे हो सकता है उतना करो और सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, तो वो तो करना रहता था। तो वो थोड़ा मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और बहुत इंटरेस्ट, मतलब पूरा ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। तो कहाँ कहाँ आपको कठिनाई लगा, आपको कभी लगा था कि हम टॉप करने वाले हैं? ऐसा हमारे साथ थी कि रिजल्ट ठीक आएगा, पर हम ये नहीं सोचे थे कि रिजल्ट मतलब फर्स्ट रैंक आएगा, ये उम्मीद से ज्यादा था, तो हम बहुत खुश हो गए थे। तो जी आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या बनना आपको है? इंजीनियर बनके देश की सेवा करना है, IIT का एग्जाम देना है। आपके पापा जी भी इंजीनियर है, तो आप भी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या लग रहा है उसमें? मतलब देश की सेवा तो करना ही है, तो देश के सर्विस में आप किसी ना किसी चीज, मतलब किसी ना किसी फील्ड से तो कर ही सकते हो, तो जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग आपको अच्छा लग रहा है इसका? लास्ट सिटी के दर्शकों को और अपने जो सहपाठी, उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए हम सभी, और अपने पूरे विश्वास के साथ पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो आपने सुन लिया, अपने पिता के तरह ही रोहिणी प्रकाश भी इंजीनियर बनना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि आगे उन्हें इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना है। इसके साथ ही साथ रोहिणी प्रकाश के घर और उनके आस पड़ोस में भी उनके टॉप करने की वजह से खुशियों का माहौल है।